तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई अपने अपने खेतों में गर्मा बोधी की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार करें। जैसे सभी जानते हैं हमारा झारखंड का एक प्रमुख फसल है जो सब्जी बोधी है, तो ये जो बोधी है इसका खेती यहाँ बहुत ही सफलतापूर्वक होती है, विशेष करके फरवरी से मतलब अक्टूबर तक। तो एक गर्मी फसल होता है, एक बरसाती फसल होता है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे गर्मी फसल का बात करेंगे, जिसका बुआई का समय आ गया है, मतलब अभी फरवरी का पहला हफ्ता में हम लोग बुआई शुरू कर दे सकते हैं, फरवरी मार्च में हम बुआई कर सकते हैं। तो खेत की अच्छा तरह से 3-4 बार जुताई करके हम कैरी बना के कर सकते हैं। तो ये जो इसमें जो हम जब ज़मीन का तैयारी करेंगे तो उसमें खाद उर्वरक का भी प्रयोग करना अच्छी उपज के लिए। तो जब हम जैसे साड़ी हुई गोबर की खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर के दर से हमको प्रयोग करना चाहिए, और फिर क्यारी बनाने के बाद हम रासायनिक खाद का भी प्रयोग करेंगे, जैसे 20 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टर के दर से हम प्रयोग करते हैं। और बुआई से करीब करीब 25 से 30 दिन बाद फिर और एक बार हम यूरिया का प्रयोग करते हैं टॉप ड्रेसिंग के रूप में, पौधा के जड़ से थोड़ा दूर, वो भी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के दर से हम प्रयोग करते हैं। जब हम कैरी में करते हैं तो बुआई के लिए हमारा जो दूरी क्या होना चाहिए, तो दूरी ये होना चाहिए, जैसे इसमें दो प्रकार का किस्म होता है, एक झाड़ीदार किस्म, एक लतरदार किस्म। तो दोनों का खेती हम इस गर्मी मौसम में कर सकते हैं। तो जो झाड़ीदार किस्म है तो उसके लिए हम दूरी कितना देंगे, मतलब हम मतलब कतर से कतर, मतलब लाइन से लाइन की दूरी हम रखेंगे 45 से 60 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 से 2 फीट। और जो जो बनाए जो मेड़ में हम जो लाइन में जब बीज को बुआई करेंगे तो वो बीज से बीज का दूरी कितनी होनी चाहिए, बीज से बीज की दूरी मैंने 15 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो और यही जो लतरदार किस्म है तो उसमें हमारा लाइन से लाइन की दूरी, जो कि उसमें हमको सहारा देना है, झाड़ी लगाना है, तो इसलिए उसका हम लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखेंगे, मतलब 3 फीट रखेंगे, और पौधा से पौधा मतलब बीज से बीज का दूरी हम 2 फीट रखेंगे। तो अभी आ जाता है बात, हम उन्नत किस्म का प्रयोग करेंगे तभी हमारा उपज अच्छा होगा। तो उन्नत किस्म झाड़ीदार किस्म में जो हमारा इस केंद्र से विकसित हुई है, जैसे स्वर्ण मुकुट है, तो ये स्वर्ण मुकुट एक अच्छी किस्म जो कि 45 से 50 दिन में इसमें फलियां तुड़ाई जगह हो जाती है, और मैंने सफ़ेद रंग के इसका फलियाँ होते हैं। इसके अलावा जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से भी उन्नत किस्म का विकास हुआ है, जिसमें से काशी कंचन है, काशी उन्नति है, काशी निधि है, ये भी अच्छी किस्म है। तो ये हमारा जो स्वर्ण मुकुट है एक कम अवधि का भी फसल है, 70 से 50 दिन का मतलब फसल अवधि रहता है और अच्छी उपज देने वाला होते हैं।